है, कितना एग्जैक्ट साबित होगा? देखिए, एग्जिट पोल जो देख रहे हैं अपन, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत बता रहे हैं, और क्योंकि अभी परिणाम आने में कुछ ही घंटे शेष है, अभी कुछ घंटों बाद एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो आएगा, जनता ने जो जनादेश दिया वो आएगा। लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं का विश्वास है, और इसलिए हम तीर्थराज पुष्कर के सभी कार्यकर्ता तीर्थराज पुष्कर से आराधना करते हैं कि हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बने और निश्चित रूप से बनेगी। नरेंद्र भाई मोदी हमारे पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसकी तैयारी के लिए, एडवांस तैयारी के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी है। लड्डू हम बना रहे हैं, कल पूरी विधानसभा के अंदर हम लड्डू बांट के हमारी जो सरकार बनने जा रही है उसके अंदर हमारे सब कार्यकर्ता खुशी मनाएंगे। आपने विधानसभा क्षेत्र से क्या उम्मीद है, कितनी शक्ति बढ़त मिलेगी? देखिए, हमारी जो पुष्कर विधानसभा है उसके अंदर जो विधानसभा का जो रिजल्ट रहा उससे कई ज़्यादा वोटों से हम जीत के हमारे यहाँ के प्रत्याशी को नरेंद्र भाई मोदी जी के पास भेजेंगे। विपक्ष की ओर से जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं 150 कलेक्टरों को फोन किया गया और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उसे हताशा माना जाए या? देखिए, कांग्रेस के पास सिर्फ नौटंकी करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। कलेक्टरों को फोन करने से कोई वोट बढ़ता नहीं है। जब वोट मत पेटी के अंदर बंद हो गया, मत पेटी सील हो गई, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जिस समय मतगणना होती है उस समय सभी पार्टियों के जो एजेंट हैं वहाँ पे, मतगणना के जो एजेंट हैं वो बैठे रहते हैं, स्काउंटिंग होती है, आजकल ऑटोमेटिक मशीन है। तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने पूरे देश के अंदर तरह तरह के भ्रम फैलाए, भ्रम फैलाने के अंदर विपक्षी पार्टी माहिर है, और यही भ्रम फैला के उन्होंने वर्षों तक राज किया। लेकिन अब हमारे देश की जनता जाग चुकी है, सही के साथ हमारे देश की जनता रहती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। हमारे अशोक चिन्ह पर भी लिखा है कि सत्यमेव जयते, इसका भारतीय जनता पार्टी ने सही अर्थों में पालन किया है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की बौखलाहट है कि इस तरह के वो अंतर्गत आरोप लगाती है, और वैसे कोई उनके आरोप वो नए नहीं लगाए, वो तो वैसे कई सालों से जब वो हारती है तो इस तरह के उल्टे सीधे झूठे आरोप लगाती है। सर, ये ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर को लेकर आपने काफ़ी कवायद, thank you।